हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं ब्रिजभूषण एंड वेलकम टू सुपर शिक्षा एजुकेशन दैट इवॉल्व यू। क्लास टेंथ साइंस चैप्टर नंबर 6 यानी जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेसेस जिसे हम कहते हैं, ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा कि मानव में जो वहन होता है, ब्लड का फ्लो होता है जो हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में, वो किस प्रकार से होता है, यानी कि हार्ट किस तरीके से काम करता है और आर्टरीज और वेन्स यानी धमनी और सिराएँ किस प्रकार से काम करती हैं, ब्लड किस प्रकार से पूरे शरीर में भोजन को और ऑक्सीजन को लेकर जाता है एक एक कोशिका तक, ये हमने समझा था। और आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं रक्तचाप। आइए इसे समझते हैं डिटेल से। तो सबसे पहले देखिए, ब्लड प्रेशर यानी कि रक्तचाप, हमारे शरीर में एक हार्ट होता है जो पूरे शरीर में ब्लड को पंप करता है एक एक सेल तक पहुँचाने के लिए। और ये जो नलियाँ आपको दिखाई दे रही हैं, इन्हें हम कहते हैं आर्टरीज और वेन यानी धमनी और शिराएं। रेड कलर की धमनी और ब्लू कलर की हैं शिराएं। इन्हीं के द्वारा हृदय ब्लड को पंप करके शरीर के कोने कोने तक पहुंचाता है, ये हम अभी तक समझ चुके हैं। अब इस चीज़ को आगे समझते हैं और तब हमें पता चलेगा कि ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप होता क्या है। तो ये देखिए, यहाँ पर आपको दो ट्यूब्स दिखाई दे रही हैं। एक्चुअली में ये ब्लड वेसल्स हैं यानी रक्त वाहिकाएँ हैं। रेड वाली धमनी जिसे हम आर्टरी कहते हैं, और ये जो ब्लू वाली है ये है शिरा जिसे हम वेंस भी कहते हैं। इनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है और जो वेंस होती हैं उसमें डी ऑक्सीजनेटेड यानी अनऑक्सीकृत रुधिर बहता है, ये हम जानते हैं पहले से। तो देखिए, इनमें इस प्रकार से रुधिर बहता है, ये है धमनी और शिरा में किस प्रकार से रुधिर बहता है। और जब इस धमनी और शिरा में रुधिर बहता है तो इनकी दीवारों पर अंदर की ओर से एक प्रेशर डालता है। जब इसमें रुधिर बह रहा है तो इनकी दीवार पर अंदर की ओर से एक प्रेशर लगा रहा है, ये तीर का निशान प्रेशर को दिखा रहा है। आप समझ पा रहे हैं, जैसे ब्लड इन नलियों में बह रहा है तो अंदर से बाहर की ओर इन पर एक प्रेशर लगा रहा है, और इसी प्रेशर को हम कहते हैं रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर। समझ गए आप ब्लड प्रेशर क्या होता है? फिर से देख लीजिए, इनमें ब्लड बह रहा है इन नलियों में, और जब ये ब्लड बह रहा है तो उस समय ये इनकी दीवार पर अंदर से बाहर की ओर एक प्रेशर लगा रहा है, और ये जो दबाव यानी एक प्रेशर जो लगता है इसी को हम कहते हैं ब्लड प्रेशर या रक्तचाप। तो अगर हम इसे परिभाषित करना चाहें तो क्या कह सकते हैं कि रक्त वाहिकाओं की दीवार पर रक्त के बहने के कारण अंदर की ओर से जो दाब लगता है उसे हम क्या कहते हैं? रक्तदाब या ब्लड प्रेशर। ठीक है, ओके, इस बात को अब हम समझ चुके हैं। इस बात को आप ऐसे भी समझ लीजिए कि अगर किसी पाइप में पानी बह रहा है और उसे आपने हाथ में पकड़ा हुआ है तो आपको एक प्रेशर फील होगा, है ना। अगर बहुत तेज़ी से उसमें पानी बह रहा है तो अगर आप छोड़ेंगे तो वो पाइप इधर उधर नाचने लग जाएगा, मतलब इधर उधर मूव करने लग जाएगा बहुत तेज़ी से, होता है ना ऐसा। ठीक है, लेकिन अगर वहीं आपने खाली पाइप पकड़ा हुआ है तो उसमें आपको कोई प्रेशर फील नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो पानी उसमें बहता है वो उस पाइप की दीवार पर अंदर से एक प्रेशर लगाता है। तो इसी प्रकार से रक्त भी रक्त वाहिकाओं में बहते हुए एक प्रेशर लगाता है। अब यहाँ पर एक और बात नोट करने वाली ये है कि जब इनमें ब्लड बहता है तो अधिक प्रेशर किस पर लगता है? उसका बहुत सिंपल सा आंसर है, अधिक प्रेशर वो लगाता है धमनी यानी आर्टरीज़ की दीवारों पर। क्यों? इसके दो कारण हम पहले भी समझ चुके हैं जब हमने धमनी और शिरा में अंतर को समझा था पिछले लेक्चर में। दो कारण, पहला क्या है कि इसकी दीवार क्या होती है? मोटी होती है। जो ये धमनी यानी आर्टरी है इसकी जो दीवार होती है वो मोटी होती है, और दीवार मोटी है तो इसका जो रास्ता है वो संकरा हो जाता है, यानी कि नैरो हो जाता है। जो रास्ता होता है ब्लड का वो थोड़ा पतला हो जाता है, और जितना पतला कोई पाइप होगा उसमें जो लिक्विड बहेगा उसका फ्लो उतना तेज होगा, प्रेशर उतना तेज होगा। ये बात तो हम जानते हैं ना कि अगर हम पानी दे रहे हैं पौधों में पाइप से, और अगर हमने उसका मुँह दबा दिया आगे से थोड़ा सा, यानी उसका मुँह हमने नैरो कर दिया, पतला कर दिया, तो प्रेशर बढ़ जाता है, पानी दूर तक जाने लग जाता है। ये बात तो आप सब मानते हैं। तो वैसे ही इसकी दीवार मोटी होने के कारण इसमें थोड़ा रास्ता नैरो हो जाता है और इसमें प्रेशर ज़्यादा होता है। और एक और कारण है जो मुख्य कारण है, अब देखिए, जो ब्लड का फ्लो शरीर में होता है वो किसके कारण होता है? हृदय के कारण। जब हृदय पंप करता है तो बहुत तेज़ी से वो पंप करके शरीर के कोने कोने में ब्लड को पहुंचाता है। आप इसको इस तरीके समझ लीजिए, माना आप गार्डन में पौधों को पानी दे रहे हैं, एक पौधा आपके बिल्कुल सामने है तो आपने पाइप से उसमें नॉर्मली पानी डाल दिया, लेकिन एक पौधा दूर है काफ़ी दूर और आप वहाँ जा नहीं पा रहे हैं, तो आप क्या करते हैं? पाइप में थोड़ा प्रेशर बढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पानी दूर तक पहुँचाना है,
इसलिए आप पाइप में थोड़ा प्रेशर बनाते हैं, उसका नैरो कर देते हैं, ठीक है, और पानी दूर तक पौधे में पहुंच जाता है। ठीक इसी प्रकार से देखिए हृदय भी करता है। हृदय को इस धमनी के द्वारा शरीर के कोने कोने में एक एक सेल तक ब्लड को पहुंचाना है। तो अगर वो बहुत कम स्पीड से ब्लड को फेंकेगा धमनी में या आर्टरी में, तो वो बहुत मुश्किल से पहुंच पाएगा शरीर के कोने कोने तक, ठीक है, विभिन्न दिशाओं में फ्लो उसका अच्छे से नहीं हो पाएगा। इसीलिए जब हृदय पंप करता है, हृदय के जो निलय होते हैं यानी कि निचले दो चैम्बर, वो जब तेज़ी से सिकुड़ते हैं तो बहुत फ्लो के साथ इसमें ब्लड बहता है धमनी में, ठीक है। वहीं अगर हम वेन की बात करें तो इसका काम होता है शरीर के सारे अंगों से धीरे धीरे ब्लड को इकट्ठा करके हृदय तक लाना। अब अगर इसमें प्रेशर ज़्यादा होगा और ये बहुत तेज़ी से ब्लड को हृदय में लाएगी तो हृदय पे एक साथ बहुत दबाव पड़ सकता है, वो डैमेज हो सकता है, फट सकता है, ठीक है। तो इसलिए इसमें प्रेशर कम होता है और इसकी दीवारें भी पतली होती हैं। क्यों पतली होती हैं? क्योंकि इनमें ज़्यादा प्रेशर है ही नहीं, इसको ज़्यादा प्रेशर झेलना ही नहीं है, इसलिए इसकी दीवारें पतली होती हैं, ठीक है। इसको ज़्यादा प्रेशर झेलना है क्योंकि शरीर के कोने कोने तक ब्लड को पहुंचाना है, तो इसलिए इसकी दीवारें मोटी होती हैं। तो जो भी शरीर में कोई भी स्ट्रक्चर होता है, कोई भी संरचना होती है, वो किसी पर्पस के कारण होती है, उसका कोई कारण होता है, इसीलिए हम इस प्रकार इतनी जटिल संरचनाएँ हमारे शरीर की, ठीक है। तो अब हम समझ गए ब्लड प्रेशर क्या होता है और किस पर ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, धमनी की दीवारों पर। और इसलिए जब हम ब्लड प्रेशर को नापते हैं तो हम किस में नापते हैं, धमनी में ही नापते हैं, शिरा में नहीं नापते। जो हमने ब्लड प्रेशर को नापते हैं ना डॉक्टर के पास जाके, तो वो किसका प्रेशर नापता है, हमारी धमनी यानी आर्टरीज का, ठीक है, ओके। इस बात को हम अच्छे से समझ गए। अब देखिए हम समझ गए हैं कि रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर क्या होता है। अब यहाँ पर आता है कि ब्लड प्रेशर कितने प्रकार का होता है, तो उसका आंसर है दो प्रकार का। कौन कौन सा? एक होता है प्रकुंचन दाब और दूसरा होता है अनुशीतलन दाब। प्रकुंचन दाब यानी जिसे हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी कहते हैं और अनुशीतलन दाब जिसे हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रेशर तो प्रेशर होता है भाई, दबाव तो दबाव है, इसमें दो प्रकार क्या, अनुशीतलन क्या और प्रकुंचन क्या? मैं समझाता हूँ। देखिए जब हृदय सिकुड़ता है, यानी कि हृदय सिकुड़ता है, क्यों सिकुड़ता है, ताकि ब्लड को शरीर में पंप कर सके। तो जैसे ही हृदय सिकुड़ा यानी संकुचन किया उसने, उस समय ब्लड के कारण जो धमनी की दीवार पर प्रेशर लगता है उसे हम कहते हैं प्रकुंचन दाब। ठीक इसके विपरीत देखेंगे जब हृदय रिलैक्स करता है, ये हार्ट है, और जब ये विराम अवस्था में आता है यानी थोड़ा शिथिल होता है, उस समय उसमें ब्लड भरता रहता है। तो उस समय जो धमनी में ब्लड फ्लो होता है और उस ब्लड के कारण जो उस समय धमनी की दीवार पर प्रेशर लगता है, दबाव लगता है, उसे हम कहते हैं अनुशीतलन दाब। बहुत सिंपल सा हो गया, नाम से ही पता चल रहा है कि जब हृदय संकुचित है यानी जब हृदय सिकुड़ा हुआ है, उस समय धमनी पर प्रेशर प्रकुंचन दाब, और जब हृदय शिथिल है यानी उसमें ब्लड भर रहा है और उस समय जो धमनी की दीवार पर प्रेशर लग रहा है उसे हम कहते हैं अनुशीतलन दाब। इन दोनों में अंतर को हम बहुत अच्छे से समझ गए हैं। अब इस चीज़ को हम थोड़ा एनिमेशन से समझ लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाए। देखिए हृदय इस प्रकार से काम करता है, ये सिकुड़ रहा है, फैल गया, सिकुड़ गया, फैल गया, यानी कि शिथिल और संकुचन, शिथिल संकुचन, शिथिल संकुचन, ठीक है। तो इस प्रकार से हृदय काम करता है। अब देखिए जैसे हृदय संकुचन की अवस्था में है, अभी किस अवस्था में है हृदय, ये देखिए ये शिथिल है और ये संकुचित है। तो जब ये संकुचन करता है यानी जब सिकुड़ता है, और उस समय जो ये ब्लड पंप करता है किसमें, धमनियों में, शरीर में पहुंचाने के लिए, तो उस समय जो इसने ब्लड पंप किया और उस ब्लड के कारण जो ये धमनी की दीवार पर प्रेशर लगा, फिर से देखिए इस प्रकार संकुचित हृदय ने ब्लड को पंप किया धमनी में, और उस समय जो ब्लड के कारण धमनी की दीवार पर प्रेशर लगा उसको हमने कह दिया सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर यानी प्रकुंचन दाब, ठीक है, समझ गए। और इसी में आगे देखिए जब हृदय शिथिल हुआ यानी कि विराम अवस्था में आया, फिर से देखिए जब हृदय शिथिल हुआ और विराम अवस्था में आया, उस प्रकार उस समय जो ब्लड के द्वारा धमनी की दीवार पर प्रेशर लग रहा है उसे कहते हैं अनुशीतलन दाब यानी डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। फिर से देखिए, ये देखिए संकुचित था और ये जैसे ही शिथिल हुआ उस समय जो ब्लड बह रहा है धमनियों में और उस ब्लड के बहने के कारण जो प्रेशर लग रहा है हृदय की शिथिल अवस्था में, उसे हमने कहा अनुशीतलन दाब यानी डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पर हम दोनों प्रकार
ब्लड प्रेशर के समझ गए कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है, ठीक है। ओके, अब देखिए अभी तक हमने जो भी समझा ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप के बारे में उसे थोड़ा नोट कर लेते हैं। नोट करना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि वरना आप लोग बाद में भूल जाते हैं और फिर बोलते हैं कि सर हमें समझ में नहीं आया या अब हमें याद नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। और एक और बात, अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो कमेंट करके पूछिए कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया है। अगर आप पूछेंगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आपको कौन सी चीज़ समझ में आई क्या नहीं आया है। तो अब बिल्कुल ऐसा करेंगे आज से, ठीक है। तो अब हम नोट करते हैं रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर जो अभी तक हमने समझा। रक्त द्वारा रक्त वाहिनियों की दीवार पर डाले गए दबाव को रक्तचाप कहते हैं। ये हम समझ चुके हैं कि जो ब्लड होता है वो जो प्रेशर डालता है रक्त वाहिनियों यानी कि ब्लड वेसल्स की दीवारों पर अंदर से बाहर की ओर, उसे ही क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर। यह दाब शिराओं की अपेक्षा धमनियों में बहुत अधिक होता है। ये भी हमने समझा कि धमनियों में यानी कि आर्टरीज में क्यों ज़्यादा होता है ब्लड प्रेशर, ठीक है। अब आगे देखिए, हृदय के निलय प्रकुंचन के दौरान धमनी के अंदर का दाब, प्रकुंचन दाब यानी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, तथा हृदय के निलय अनुशीतलन के दौरान धमनी के अंदर का दाब अनुशीतलन दाब यानी डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहलाता है। ये वही चीज़ है जिसको हम पीछे समझ चुके थे। ये देखिए, ये है हृदय का स्ट्रक्चर और इसके जो दो निचले चैम्बर होते हैं उन्हें कहते हैं निलय यानी कि वेंट्रिकल, और ऊपर के दो चैम्बर होते हैं उन्हें कहते हैं एट्रियम यानी आलिंद। ये हम हृदय के स्ट्रक्चर जब हमने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में तब हमने इस चीज़ को समझ लिया था। तो कुल मिला के इतनी सी बात है कि ये दो जो निचले चैम्बर हैं यानी कि जो निलय हैं, ये जब सिकुड़ते हैं यानी संकुचित होते हैं उस समय जब ब्लड धमनी में जाता है तब उस पर लगता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर यानी प्रकुंचन दाब, और जब ये दोनों निलय शिथिल होते हैं यानी कि इनमें ब्लड भरता रहता है और ये विराम अवस्था में होते हैं तब उस समय जो रक्त द्वारा धमनी की दीवार पर प्रेशर लगता है उसे कहते हैं अनुशीतलन दाब यानी डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है। आगे देखिए, सामान्य प्रकुंचन दाब लगभग 120 मिलीमीटर पारा तथा अनुशीतलन दाब लगभग 80 मिलीमीटर पारा होता है। अब ये 120, 80 और मिलीमीटर पारे का क्या मतलब है इस चीज़ को हम आगे समझेंगे। मिलीमीटर पारा ब्लड प्रेशर को नापने की यूनिट है और ये कैसे काम करता है आगे हम इसको समझने वाले हैं। फिलहाल यहाँ पर देखिए, ये दो तरह के दाब हमने यहाँ पर देखे। एक था सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जिसका मान है 120 मिलीमीटर ऑफ HG, और दूसरा था डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जिसका मान है 80 मिलीमीटर ऑफ HG यानी 80 मिलीमीटर ऑफ HG यानी कि पारा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा एनिमेट करके समझ लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पर हृदय और धमनी हमें दिखाई दे रही है, तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में वही देखिए क्या होता है, हृदय क्या होता है, संकुचित होता है। देखिए दो स्टेज हैं यहाँ पर हृदय की, ये वाला संकुचित है और ये वाला शिथिल है, ठीक है। तो अब इस चीज़ को समझिए, जब हृदय संकुचित होता है उस समय वो प्रेशर के द्वारा जो धमनियों में रक्त को भेजता है और उस समय जो धमनी की दीवार पर दबाव लगता है रक्त के द्वारा उसे कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। वहीं आगे जहाँ हृदय शिथिल अवस्था में होता है और तब उस समय जो धमनी की दीवार पर प्रेशर लगता है उसे कहते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और किसका मान अधिक होता है याद रखेंगे हमेशा, ज़्यादा प्रेशर कब लगता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर के दौरान यानी कि हृदय के संकुचन के दौरान, और कम प्रेशर कब होता है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर यानी कि जब हृदय शिथिल अवस्था में होता है, रिलैक्स अवस्था में होता है। अब यहाँ पर जब हम ब्लड प्रेशर को समझ चुके हैं तो हमारे दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि आखिर हम इस ब्लड के प्रेशर को जो कि धमनियों में होता है नापते कैसे हैं, उसे मेजरमेंट कैसे करते हैं उसका हम, ठीक है। अच्छा देखिए, अगर कोई पाइप है पानी का और उसमें पानी बह रहा है और हम उसके पास जाकर उस पर कान लगाकर सुनते हैं तो हमें वाटर की आवाज़ सुनाई देती है, उसके अंदर जो पानी बह रहा है उसकी आवाज़ हमें सुनाई देगी, साथ में थोड़ा सा कुछ प्रेशर भी फील होगा, होता है ना। और अगर हम किसी ऐसे पाइप से कान लगा के सुनते हैं जिसमें कोई भी लिक्विड नहीं बह रहा है या कोई भी वाटर उसमें बह नहीं रहा है तो क्या हमें प्रेशर और कोई आवाज़ फील होगी, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है।
तो इसी चीज़ को ध्यान में रखकर साइंटिस्ट ने कुछ मशीन्स बनाई जिनकी हेल्प से हम इस प्रेशर को नाप सकते हैं, ब्लड प्रेशर को। तो क्या है वो चीज़ें, हमने उनको देखा भी है। जब भी कोई हमारे घर में बड़े बुज़ुर्ग डॉक्टर के पास जाते हैं ब्लड प्रेशर को नपवाने के लिए, या फिर हमारा कोई नॉर्मल रूटीन हेल्थ चेकअप होता है, तब भी ब्लड प्रेशर को मेज़र किया जाता है, ठीक है। तो आपने इन मशीन्स को देखा होगा। ये वाला है स्फिग्मोमैनोमीटर। इसको प्रोनाउंस करने में बहुत बच्चे गलती करते हैं, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है। और दूसरा जो हमारे पास चीज़ है वह है स्टेथोस्कोप, ये वाला जो डॉक्टर गले में रखते हैं ना अक्सर, जिसको आप लोग कह देते हैं कि हेडफोन है, हेडफोन नहीं है, वो स्टेथोस्कोप है, इसे हम कहते हैं स्टेथोस्कोप, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हैं जिनकी हेल्प से हम क्या करेंगे, ब्लड प्रेशर को नापते हैं। इनमें से जो ये पहली मशीन है यानी स्फिग्मोमैनोमीटर, इसका काम होता है प्रेशर को नापना, ठीक है। और जो स्टेथोस्कोप होता है, इसका काम होता है जो उस प्रेशर के कारण धमनी में साउंड उत्पन्न हो रहा है उसको सुनना, ठीक है। ऐसे नहीं कि हमने पेशेंट को कान लगाया और उसकी धमनी की आवाज़ सुन ली, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। उसके लिए हमें स्टेथोस्कोप की ज़रूरत होती है। तो इन दो चीज़ों के हेल्प से हम ब्लड प्रेशर को नापते हैं। और ये हम किस प्रकार से नापते हैं, ये आगे हम स्टेप वाइज देखेंगे, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर को नापने के तरीके से पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो ये स्फिग्मोमैनोमीटर होता है, इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं इसके, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक स्केल दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये स्केल मेज़र करता है प्रेशर को। और यहाँ पर बीच में एक ट्यूब दिखाई दे रही है कांच की, जिसमें भरा होता है मरकरी, यानी जिसे हम कहते हैं पारा, ठीक है। जैसे जैसे हम इस मशीन के द्वारा प्रेशर को बढ़ाते हैं, वैसे वैसे मरकरी यानी पारा इस ट्यूब में ऊपर की ओर चढ़ता है, ठीक है। और जैसे ही प्रेशर कम होता है, वैसे ही पारा नीचे आता है। इसके अलावा इसमें क्या है, एक बीपी कफ है यहाँ पर, जिसको पेशेंट के हाथ से बांधा जाता है टाइट करके, जिससे कि प्रेशर को जनरेट किया जा सके, जिससे कि दबाव बनाया जा सके धमनियों पर, ठीक है। और ये क्या है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है एक इन्फ्लेशन बल्ब, ये जो काले कलर का गुब्बारे की तरह छोटा सा दिखाई दे रहा है, जिसको दबा सकते हैं, जैसे वो स्माइली बॉल होती है ना रबर की, उसकी तरह इसको दबा सकते हैं। तो ये होता है इन्फ्लेशन बल्ब, यानी कि जिसके द्वारा दबाव बनाया जाता है या बढ़ाया जाता है। और यहीं पर आपको एक और छोटी सी चीज़ दिखाई दे रही है इस बल्ब के सामने, जो ऐसे वाल्व की तरह खुल और बंद हो सकता है, उसे हम कहते हैं एयर वाल्व। ये जो छोटी सी संरचना दिखाई दे रही है ना, जिसके द्वारा हम प्रेशर को कम और ज़्यादा करते हैं, वो है एयर वाल्व। तो ये सारे पार्ट्स हैं स्फिग्मोमैनोमीटर के, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि स्फिग्मोमैनोमीटर और स्टेथोस्कोप की हेल्प से हम किस प्रकार से ब्लड प्रेशर को नापते हैं या उसको मेज़र करते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ समझिए कि किस प्रकार से ब्लड प्रेशर को मेज़र किया जाता है, किस प्रकार से रक्तचाप को नापा जाता है, ठीक है, या मापा जाता है। पेशेंट के हाथ पे यहाँ कोहनी से ऊपर बाह में सबसे पहले जो बीपी कफ होता है, उसको टाइट से लपेट लेते हैं। अब यहाँ हाथ पे ही क्यों, पैर पे क्यों नहीं? देखो बच्चों, ये जो धमनियाँ होती हैं हमारे पूरे शरीर में फैली होती हैं, लेकिन जो हाथ की धमनी होती है वो हृदय के लेवल पे होती है, ठीक है ना, हृदय के बिल्कुल पास होती है। तो वहाँ प्रेशर नापने पर वो फिक्स होता है, ठीक है, ज़्यादा ऊपर नीचे उसका मान नहीं आता, बल्कि एक एक्यूरेट मान आता है। इसीलिए हाथ की धमनियों पर प्रेशर को नापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो पहला स्टेप होता है, जो हाथ होता है कोहनी से ऊपर बाह में, सबसे पहले जो बीपी कफ होगा यानी ब्लड प्रेशर कफ होगा, उसको टाइट से लपेट लेंगे। और उसके बाद क्या करते हैं, ये जो हमारे पास बल्ब था, ठीक है ना, ये इन्फ्लेशन बल्ब था, ये वाला, इसकी हेल्प से इसको बार बार प्रेस करते हैं, स्क्वीज करते हैं इसको बार बार, और इससे क्या होता है, ये कफ फूलता है, यहाँ इस कप पर प्रेशर बनता है, यहाँ बहुत ज़्यादा प्रेशर बनता है, और हमें हाथ में एक जकड़न सी महसूस होती है बाँह पर, ऐसा लगता है जैसे किसी ने टाइट से बाँह को दबा लिया है। ऐसा करके क्या होता है कि जो ब्लड का बहाव है धमनी में, ये जो रक्त बह रहा है, यहाँ आपको दिखाई दे रही है ये धमनी, ये है, ये हाथ में धमनी दिखाई दे रही है, ऐसे दिखाई नहीं देती, सिर्फ डायग्राम में दिखाई दे रही है। तो इस धमनी में जो रक्त बह रहा है, वो क्या होता है, उसका फ्लो बाधित हो जाता है, उसका बहना रुकता है। क्यों? क्योंकि हमने टाइट से क्या कर लिया, हाथ को जकड़ लिया है इस बीपी कफ के द्वारा, इस कफ के द्वारा, ठीक है। अब जब
जैसे जैसे हम इस प्रेशर को बढ़ाते रहते हैं, वैसे वैसे जो पारा होता है यानी कि जो मरकरी होता है वो ऊपर की ओर चढ़ता रहता है। ठीक है, अब हम इसे धीरे धीरे बढ़ाते हैं और जब तक पारा यहाँ पर स्केल में 120 का मार्क को क्रॉस नहीं कर जाता, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दिखाई देगा ये है 120, ठीक है, और ये है नीचे 80, यानी 120 और 80, इन्हीं के बीच में हमको ब्लड प्रेशर को मेज़र करना होता है। तो इस पूरे स्केल में यही दो पॉइंट यानी 120 और 80 हमें ध्यान में रखने हैं। तो जब हम प्रेशर को बढ़ाते हैं तो पारा ऊपर की ओर चढ़ता है, मरकरी ऊपर की ओर चढ़ता है। हम तब तक प्रेशर को बढ़ाते रहेंगे जब तक पारा यानी मरकरी स्केल में 120 को क्रॉस ना कर जाए, यानी कि इससे ऊपर ना चला जाए। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ स्किन पे धमनी के पास स्टेथोस्कोप को रख देते हैं और उसका दूसरा सिरा अपने कान में लगा लेते हैं आवाज़ को सुनने के लिए। ठीक है, अभी हुआ क्या है, अभी यहाँ पर प्रेशर के कारण ब्लड का फ्लो रुक गया है। ठीक है, और जो मरकरी है वो इस स्केल में 120 से ऊपर पहुँच गया है। ठीक है, अब क्या करते हैं, धीरे धीरे यहाँ पर ये जो एयर वाल्व है ना, इसको खोलकर धीरे धीरे प्रेशर को रिलीज़ करते हैं। जैसे जैसे प्रेशर रिलीज़ होता है वो 120 के आसपास जैसे ही यहाँ पर आता है, वैसे ही हमें स्टेथोस्कोप में एक ध्वनि सुनाई देने को मिलती है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे प्रेशर कम होता है वैसे वैसे यहाँ दोबारा से ब्लड बहने लगता है, और जैसे ही दोबारा से ब्लड बहना स्टार्ट होता है वैसे ही हमें खट से स्टेथोस्कोप में ध्वनि सुनाई देती है, डब डब की आवाज़। ठीक है, और 120 के आसपास ये आवाज़ हमें सुनाई देनी चाहिए अगर बीपी नॉर्मल है। ठीक है, जैसे ही 120 के आस यहाँ ऊपर गया था पारा यहाँ हमने ऊपर भेज दिया था प्रेशर बढ़ा के। ठीक है ना, अब जैसे ही प्रेशर रिलीज किया तो पारा डाउन आना शुरू हो गया। ठीक है, और जैसे ही वो 120 के आसपास पहुँचता है वैसे ही ध्वनि सुनाई देना प्रारंभ हो जाता है। क्यों सुनाई देना प्रारंभ हो जाता है? क्योंकि दोबारा से जो आर्टरी है उसमें ब्लड फ्लो शुरू हो जाता है। ठीक है, और ये जो ध्वनि है जो हमें 120 पे सुनाई देती है वो हमें धीरे धीरे सुनाई देती है। कब तक सुनाई देती है? जब तक पारा 80 को नीचे क्रॉस नहीं कर जाता, यानी कि 80 से नीचे नहीं आ जाता। जैसे ही पारा इस स्केल में 80 से नीचे आता है वैसे ही हमें वो आवाज़ सुनाई देना बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये जो कफ है बीपी कफ, इसमें अब प्रेशर बहुत कम हो चुका है और ये जो आर्टरी है इसमें ब्लड का फ्लो सामान्य हो चुका है, यानी अब प्रेशर से नहीं बह रहा है ब्लड। ये ठीक वही बात है कि अगर हमने खेत में पाइप से पानी डाल रहे हैं और पाइप का मुंह दबाए रखा था तो प्रेशर बढ़ा हुआ था, जैसे ही पाइप का मुंह छोड़ा तो प्रेशर फिर से नॉर्मल हो गया। ठीक है ना, और पानी फिर से नॉर्मल तरीके से फ्लो होने लग गया। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर हमने पहले फ्लो को रोका ब्लड के और उसके बाद उसके फ्लो को दोबारा चालू किया, और उस चालू होते ही जो हमें आवाज़ शुरू हुई सुनाई देना उसको हमने नोट कर लिया। तो वो आवाज़ हमें कहाँ से सुनाई देना शुरू हुई? 120 से, और कहाँ पर ख़त्म हुई? 80 पे। ठीक है ना, ये चीज़ हम समझ गए हैं बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, आवाज़ को किसकी हेल्प से सुना? स्टेथोस्कोप की। ठीक है, तो सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर तरीके से हम समझ गए हैं कि किस प्रकार से ब्लड प्रेशर को नापते हैं। अब यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जहाँ पर हमें आवाज़ सुनाई देना शुरू हुई स्टेथोस्कोप में, कहाँ शुरू हुई थी? जब मरकरी 120 पे पहुँचा था। तो जहाँ पर हमें आवाज़ सुनाई देना शुरू हो जाती है स्टेथोस्कोप में डाउन करते ही मरकरी को, उस प्रेशर को हम कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, यानी कि हमेशा बड़ी संख्या होती है 120 या उसके आसपास की। ठीक है, और जैसे जैसे मरकरी डाउन होता है पारा नीचे गिरता है स्केल में, और जहाँ पर हमें आवाज़ सुनाई देना बंद हो जाती है उस पॉइंट को कहते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और ये हमेशा नंबर में कम होता है सिस्टोलिक से। कितना होता है? 80 या उसके आसपास का कोई नंबर। ठीक है ना, तो जो नॉर्मल होता है सबसे आइडियल माना जाता है वो होता है सिस्टोलिक 120, और जो डायस्टोलिक हो उसका मान 80 mmHg यानी मिलीमीटर ऑफ मरकरी। अब मिलीमीटर ऑफ मरकरी क्यों है ये बात आप समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ पर हम प्रेशर नापने के लिए किसका यूज कर रहे हैं? मरकरी का यूज कर रहे हैं। ठीक है ना, स्केल में मरकरी ऊपर नीचे जा रहा है और यही दिखा रहा है कि प्रेशर बढ़ा है या घटा है।
तो इसीलिए इसे मिलीमीटर ऑफ मरकरी या फिर मिलीमीटर पारे का, ठीक है, इसमें नापते हैं और यही ब्लड प्रेशर की यूनिट है। तो अब हम पूरा समझ गए ब्लड प्रेशर को भी, और ब्लड प्रेशर को मेज़र कैसे किया जाता है वो भी हम समझ गए। अब यहाँ देखिए NCERT में इसे किस तरीके से समझाया गया है कि ब्लड प्रेशर को कैसे मेज़र किया जाता है, किस प्रकार से रक्तचाप को मापा जाता है, वो भी यहाँ एक बार देख लेते हैं। आप घबराना नहीं है कि एक ही चीज़ को दो बार क्यों समझ रहे हैं, इससे आप इसे और बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे और हमेशा के लिए याद रखेंगे। जब बुक देखेंगे तो फटाक से याद आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए डायग्राम में किस प्रकार से दिखाया गया है BP को नापना। तो पहले चित्र में आप क्या देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है एक मनुष्य का हाथ, ठीक है। बीचों बीच आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक धमनी जिसमें नॉर्मल स्पीड से रक्त बह रहा है, ठीक है ना। अभी जब ये नॉर्मल है और हमने कुछ भी नहीं किया है तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए जो रक्त दाब है अभी नॉर्मल कंडीशन में वो क्या क्या है, वो है 120/80, जो 120 है वो है परिकुंचन यानी सिस्टोलिक प्रेशर, और जो 80 है वो है अनुशीतिलन यानी कि डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। और ये बात हम पहले भी समझ चुके हैं नॉर्मल क्या होता है BP का मान, ठीक है। किसमें नापते हैं, MMHG, मिलीमीटर ऑफ HG या मिलीमीटर किसका, पारे का। अब हमने क्या किया BP नापने के लिए, सबसे पहले हमने जो हमारे पास स्फिग्मोमैनोमीटर था उसको हमने, उसका जो कफ होता है BP कफ, उसको हमने कोहनी के ऊपर जो बाँह है वहाँ पर लपेट लिया टाइट करके, ठीक है ना। इस स्फिग्मोमैनोमीटर का जो कफ होता है उसको हमने लपेट लिया, एक कपड़े की तरह पट्टा होता है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, इस पर और क्या क्या चीज़ें हैं, एक इस पर है इन्फ्लेशन बल्ब, ऐसा बल्ब जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं प्रेशर को बढ़ाते हैं, ठीक है। रबड़ की तरह होता है जो पिचककर वापस अपने जैसे आकार का हो जाता है, जैसे हम साइकिल में हवा भरते हैं ना, ठीक वैसे ही, ठीक है। और यहाँ पर एक और चीज़ लगी होती है, एक मेटल का रिंग होता है छोटा सा जो होता है एयर वाल्व, इसको खोलकर हम प्रेशर को कम और कम कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज़ जुड़ी हुई है, ये एक स्केल है और स्केल के बीचों बीच आपको दिखाई दे रही है एक ट्यूब जिसमें भरा होता है मरकरी यानी कि पारा। होता क्या है, जैसे जैसे हम इस बल्ब को प्रेस करते रहते हैं वैसे वैसे कफ में प्रेशर बढ़ता है, ठीक है ना। यहाँ से फिर से देखिए, जैसे जैसे हम इस बल्ब में प्रेशर को बढ़ाएंगे वैसे ही यहाँ से यहाँ कफ में प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है ना। क्या बढ़ेगा, कफ में प्रेशर बढ़ेगा, और जैसे जैसे कफ में प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे इस स्केल में, यहाँ पर इस स्केल में जो पारा होता है वो ऊपर की ओर चढ़ना शुरू कर देता है, ठीक है। तो हम कब तक प्रेशर को बढ़ाते हैं, अभी हमने समझा था, तब तक जब तक जो पारा है वो 120 को क्रॉस नहीं कर जाता है स्केल में, तब तक हम प्रेशर को बढ़ाते हैं। जैसे ही 120 को क्रॉस कर देता है हम प्रेशर बढ़ाना बंद कर देते हैं, ऐसे नहीं कि प्रेशर बढ़ाते गए और हाथ को चोट पहुँचा ली, नहीं, ठीक है। 120 को जैसे ही क्रॉस किया हम प्रेशर बढ़ाना बंद कर देंगे। अब जब यहाँ पर कफ में दाब 120 से ऊपर हो चुका है, ठीक है, तो यहाँ पर और क्या हो रहा है, देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये जो धमनी है इसमें ब्लड का फ्लो रुक गया है, देख रहे हैं, यहाँ ऊपर आपको ब्लड दिखाई दे रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ नीचे ब्लड का फ्लो बंद है, लिखा हुआ है धमनी अभी बंद है, ठीक है। क्यों बंद है, क्योंकि हमने यहाँ पर प्रेशर बढ़ा दिया, ये तीर के निशान से दिख रहा है आपको, प्रेशर बढ़ाकर हमने धमनी को बहुत दबा दिया है और ब्लड के बहने का रास्ता ही नहीं बचा, तो यहाँ पर क्या हो गया, ब्लड फ्लो रुक गया, ठीक है। अब देखिए आगे समझिए कि अब क्या होगा, अगले डायग्राम में देखिए, जब ब्लड फ्लो रुक गया था तो उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर स्टेथोस्कोप लगा दिया, ठीक है ना, ठीक जहाँ पर ये ब्लड प्रेशर कफ लिपटा होता है उसके ठीक नीचे यहाँ पर कोहनी के सामने हमने क्या रख दिया, स्टेथोस्कोप, और उसका दूसरा सिरा कान में लगा लिया, ठीक है, आवाज़ सुनने के लिए। अब क्या करते हैं हम, यहाँ पर उन्होंने बनाया नहीं है डायग्राम में, लेकिन यहाँ पर मैं खुद ही बना देता हूँ, ये देखिए यहाँ पर ये नली है और ये क्या है, बल्ब है, ठीक है ना, ये वाला बल्ब, ठीक है, और यहाँ पर इसको रिलीज़ करने के लिए एक छोटा सा वाल्व है। तो अब हमने क्या किया, इस वाल्व को खोला, ठीक है, धीरे धीरे इस वाल्व को खोला, और जैसे ही हम यहाँ पर वाल्व वो खोलते हैं स्केल में पारा नीचे गिरना शुरू हो जाता है, स्केल में पारा नीचे गिरना शुरू हो जाता है, ठीक है।
अब हम स्टेथोस्कोप से इस समय ध्यान से सुनते रहेंगे और एक बात हम ध्यान देंगे कि जैसे ही पारा पहुंचा, यहाँ पर देखिए जैसे ही पारा पहुंचा 120 के आसपास, वैसे ही स्टेथोस्कोप में हमें आवाज़ सुनाई देना शुरू हो जाती है और ये काफ़ी अच्छी आवाज़ हो जाती है, क्लियर आवाज़ होती है जो हमें सुनाई देती है। ठीक है, धीरे धीरे प्रेशर नीचे गिरता रहेगा और जैसे जैसे प्रेशर नीचे गिरता रहेगा वो जो आवाज़ आ रही थी ब्लड के बहने की, देखिए ब्लड शुरू हो रहा है बहना धीरे धीरे नीचे की तरफ। ठीक है, तो जैसे जैसे प्रेशर रिलीज़ होता रहेगा, ये कफ ढीला होता है, वैसे वैसे ब्लड वापस धमनी में बहना शुरू होता है और 120 के आसपास से हमें आवाज़ सुनाई देना शुरू हो जाती है, डब 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 की आवाज़। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होता है, ये आवाज़ हमें कब तक सुनाई देती है, यहाँ इस डायग्राम से हमें पता चल रहा है, यहाँ पर ये आवाज़ हमें सुनाई देती है जब तक पारा गिरकर कहाँ नहीं पहुँच जाता, 80 के आसपास, इस स्केल में 80 के आसपास जब तक पारा नहीं पहुँच जाता तब तक हमें वो आवाज़ सुनाई देती है, और जैसे ही पारा 80 से नीचे जाने लगता है उसके बाद वो आवाज़ सुनाई देना हमें बंद होने लग जाती है। तो हुआ क्या, नॉर्मली 120 से हमें आवाज़ सुनाई देना शुरू हुआ। ठीक है, कब शुरू हुआ, 120 से, जैसे ही पारा 120 पे पहुंचा था और नीचे गिरते गिरते कहां तक हमें आवाज़ सुनाई देने को मिलती है स्टेथोस्कोप में, जब तक पारा नीचे 80 को क्रॉस नहीं कर जाता, तो ये 120 और 80 के बीच ही हमें वो आवाज़ सुनाई देती है। वो किसकी आवाज़ है, वो ब्लड की प्रेशर की आवाज़ है, जो प्रेशर से ब्लड रिलीज हुआ ना इस धमनी में, जो रुका हुआ था उसी की आवाज़ आती है वो। ठीक है ना, और उसी से हम नापते हैं ब्लड के प्रेशर को, और इसकी यूनिट क्या होती है, मिलीमीटर ऑफ HG, यानी पारे का मिलीमीटर। ठीक है, क्यों ये हम समझ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर नापने के लिए हम पारे के स्केल का यूज करते हैं। तो दो चीज़ों के हेल्प से हमने ब्लड प्रेशर को नाप लिया, एक होता है ये स्फिग्मोमैनोमीटर और दूसरा होता है ये स्टेथोस्कोप। ठीक है, तो इस तरीके से हम समझ गए कि ब्लड प्रेशर क्या होता है और उसे कैसे नापा जाता है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, अगर इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी आपको क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं अगले वीडियो में उसका आंसर ज़रूर दूंगा। ठीक है, और जब आप पूछेंगे तभी जाकर मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, मुझे भी लगेगा कि बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ठीक है, तो ध्यान से आप पढ़ते रहिए और लेते रहिए सुपर शिक्षा। थैंक यू।